आज यार सनराइजर्स के बॉलर्स को क्या हो गया था, क्या खा लिए थे नाश्ते में? आज पहले ही ओवर से नो बॉल डालना शुरू कर देते हैं। भूमी भाई पहले ही ओवर में बटलर को आउट कर देते हैं। मुझे लगा कि आज एक और ओपनर जीरो पर आउट हो गया, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो जाती है। भूमी के इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी उन्होंने दो नो बॉल डाली और इन्हीं के देखा देखी वाशिंगटन सुंदर ने भी एक नो बॉल डाल दी। और इन दोनों को देखकर उमरान मलिक ने भी अपनी बैटिंग गंगा में हाथ धो लिए, उन्होंने भी एक नो बॉल डाल दी। इतनी सारी नो बॉल्स का सिर्फ एक ही इलाज था और वो था अपने जूते को चेंज करके ऐसे जूते पहने, फिर नो बॉल्स होगी। आज इतनी नो बॉल्स देखकर बुमराह और यार आज राजस्थान के बैट्समैन कौन सी शिला जीत खा लिए थे? जो आ रहा था वही तोड़े जा रहा था। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और यार संजू सैमसन ने क्या कमाल की पारी खेली है, 27 गेंदों में 55 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। इस बंदे का मुझे पता है ये अभी एक शतक मारेगा और एक शतक मारने के बाद इस पूरे आईपीएल में आराम से आराम करेगा। और भाई देवदत्त पडिक्कल ने भी क्या कमाल की पारी खेली, ये पिछले साल की फॉर्म अपनी बरकरार रखते हुए इन्होंने भी 29 गेंदों पर 41 रन बनाए और चहल ने भी 3 विकेट्स लिए। इस समय यार आरसीबी की जितनी जल रही होगी ना उतनी किसी की नहीं जल रही होगी। ये दोनों बंदे आरसीबी के दो अनमोल रतन हुआ करते थे। अब अगर ऐसा हो जाए कि आरसीबी और राजस्थान के मैच में चहल 5 विकेट ले लें और देवदत्त पडिक्कल 100 रन मार दें, ये क्या बात करता है यार तो कसम से भाई आरसीबी वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन करेगा। राजस्थान अपनी पलंग तोड़ बैटिंग से 210 रन का टारगेट सेट करती है, फिर हैदराबाद कुछ इस तरीके से चेज करना शुरू करती है। दो सौ दस रन का टारगेट चेस करने में हैदराबाद ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पावर प्ले में एक ऐसी पारी जिसे देखकर टेस्ट मैच भी शर्मा जाए। हैदराबाद ने पावर प्ले में सबसे कम 14 रन बनाकर इतिहास रच दिया है, ऐसा पहले 2009 में हुआ था। और यार पूरन की बैटिंग देखकर पंजाब वाले अलग खुशी मना रहे हैं। मेरे हिसाब से ना यार पूरन को ना चूरन की जरूरत है। मतलब यार ये बंदा अभी आईपीएल से पहले इतनी कमाल कमाल की पारियां खेल रहा था वेस्ट इंडीज के लिए और आईपीएल में आते ही इसको पता नहीं किसकी नजर लग गई। नहीं, मैं नहीं मानता। और लास्ट में भाई वाशिंगटन ने क्या वॉशिंग मशीन की तरह धोया है, मात्र 14 गेंदों में 40 रन ठोक दिए। हैदराबाद वालों को इनसे ओपनिंग करवानी चाहिए थे, लेकिन अब हैदराबाद वाले तो यार हैदराबाद ही है। अगले मैच में हो सकता है कि इनसे ओपनिंग करवाएं। भाई मार्करम ने भी जीत की नाकाम कोशिश करते हुए 57 रन बनाए, इससे हैदराबाद 20 ओवर्स में 149 रन तक ही पहुंच पाता है और हैदराबाद ये 61 रनों से ये मैच हार जाता है। तो हम बढ़े यार मीम्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें सुनने में आया है तू लंदन में रहती, अरे ये नहीं, सुनने में आया है कि पाकिस्तान वाले कूट दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया वालों ने 1-0 से बढ़त ले ली है। पाकिस्तान भाई हल्की फुल्की टीम नहीं है, अब अगले मैच में देखना ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे फटने वाली है। फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह है। तो अब हम मीम्स देख लेते हैं, ये जिस भी फ्रेंचाइजी से खेलेंगे वहां हगेंगे। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। भाई अब मुझे ना आरसीबी के वाले मैच का इंतजार है जब आरसीबी और आरआर एक आमने सामने होगी, और अगर चहल और पडिक्कल दोनों परफॉर्मेंस कर दें तो गुरु मजा ही आ जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर विद बैट 40 रन इन 14 बॉल्स विद बॉल इन 3 ओवर 47 रन, कितने क्रिएटिव हैं यार। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। भाई KGF 2 आने वाली है 14 अप्रैल को, आप लोग जाओगे कि नहीं देखने? आप ये कमेंट जरूर कर देना, हम नहीं सुधरेंगे। ये यार निकोलस पूरन ने यार बहुत पनौती है, जिसमें जाता है वहाँ पनौती लगाने शुरू कर देता है। सिमरन हिटमायर, ये हिटमायर यार अलग ही फिल्म बना रहा है ये तो। ये किससे मिल रहा है यार ये? क्विक समरी ऑफ पावर प्ले, पावर प्ले में आज यही हुआ है, नो बॉल पे नो बॉल, नो बॉल पे नो बॉल, धीरे धीरे सीख रहे हो। बस यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आईपीएल के ऊपर ऐसी कमाल कमाल की वीडियोज़ आएंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।